गंदम जब भी आप सर्दी में डालेंगे बर्ड को, ठीक है जी, और ठंडा पानी अगर उसने पी लिया, धोते कैसे हैं गंदम, धोते कैसे हैं, ईजीली क्या है इसका, जल्दी कैसे हो जाएगी, सर्दी है, इसको खुशक कैसे करना है, ड्राई कैसे करना है, खुश कैसे करना है इसको, तो वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी एक्सपायर नहीं होगा। अगर दाना छोड़ जब दाना छोड़ दिया आपका बर्ड एक्सपायर है, ठीक है, स्प्रे वगैरह कुछ भी हर चीज़ तकरीबन ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, एक नए वीडियो के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ, एक नई आबीति के साथ, जो मेरे ख्याल से जो मेरे नए कबूतर परवर भाई हैं, बच्चे हैं हमारे, ठीक है जी, उनको इससे बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, खासतौर पर जो ठंडे इलाके के लोग हैं, बल्कि सर्दी सारे के लिए, जैसे कि बताया आपको सर्दी का मौसम है, पंजाब में सर्दी है, इस वक्त यहाँ सर्दी है, सर्दी सारे के लिए ही ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे लॉफ्ट में एक बीमारी आ गई थी जिसका नाम है कैंकर, ठीक है जी, जिसको हम जहर बात बोलते हैं, वो मेरे लॉफ्ट में आ गई थी, मेरे हुड में आ गई थी, और मैं शुरू में देखा एक दो बर्ड्स को सिर्फ सरसों के दाने के बराबर थी, मैंने कहा यार शायद ये नॉर्मल कैजुअल है, हो गया सर्दी लगी दोनों को, लेकिन सडन वो 8-9 में आ गई और मेरे 8-9 बर्ड्स एकदम ढीले होना शुरू हो गए, मुझसे गलती हुई। असल में एक चीज़ है, हमेशा इलाज के प्रिकॉशंस भी हैं और इलाज की ट्रीटमेंट भी है, आप प्रिकॉशन की तरफ जाएंगे ना, ठीक है जी, इसको परवरी कहते हैं, कबूतर रखना संभालना, अगर आप वो समझ है, ठीक है जी, तो आपको ट्रीटमेंट जाना नहीं पड़ेगा, आपको इलाज तो जाना नहीं पड़ेगा, आप प्रिकॉशंस पे रखेंगे तो बेस्ट रहेंगे। लास्ट ईयर मैंने गंदम नहीं यूज़ की, ये मेरी प्रिकॉशंस के अंदर गलती हुई थी, लास्ट ईयर मैंने गंदम अपने दाने में गंदम ही डाली थी सर्दी में, तो अभी मैं जब ये कैंकर आए दोस्तों से मैंने मशवरा किया, उन्होंने मुझे गंदम बोला, मुझे याद आया वाकई यार मैंने तो गंदम डाल दी थी। गंदम जब भी आप सर्दी में डालेंगे बर्ड को, ठीक है जी, और ठंडा पानी अगर उसने पी लिया तो उसी वक्त जहरबाद की शक्ल में आएगा, फिर जब जहरबाद आएगा वो फिर जहर सी बात है पानी में दोबारा मुंह डालते हैं, उसी पंदे सारे जगह से पानी पीते हैं, वो डेफिनेटली किसी और में भी जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है, बुखार भी लाती है गंदम, इम्यूनिटी को भी वीक करती है गंदम, ठीक है जी, सर्दी में, गर्मी में आप डालें कोई इशू नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, अपने दाने में से गंदम निकाल दी फटाफट, और 1 किलो का दाना है उसमें, 1 पाव मोटा दाना जिसमें मिक्स दाना जिसे बोलते हैं, अच्छा मैंने बनाया, वीडियो बनाई मैंने शेयर की आपके सामने देख सकते हैं, और साथ मैंने सर्दी का, ठीक है, और साथ मैंने 3 पाव बाजरा कर दिया, इस तरह से क्वांटिटी 1 किलो। अब मैंने गंदम मेरी ख़त्म हो चुकी थी, 10-15 किलो रह गई थी, मैंने वापस दी और मैं बाजरा ले गया। आज हम आपको वीडियो बनाएंगे बेसिकली कि बाजरा धोते कैसे हैं, गंदम धोते कैसे हैं, ईजीली क्या है इसका, जल्दी कैसे हो जाएगी, सर्दी है, इसको खुशक कैसे करना है, ड्राई कैसे करना है, खुश कैसे करना है इसको, इसकी वीडियो बनाएंगे बेसिकली। ट्रीटमेंट मैंने क्या की कैंकर की, मेरी आज फाइनल डे है ट्रीटमेंट का मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बच्चों को कैंकर हो गया था और वो भी रिकवर कर गया, उसकी क्या मेडिसिन है वो इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मेडिसिन बताऊंगा कैंकर की मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, ठीक है जी, और कौन सी इफेक्टिव है और कौन सी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है जी, किस तरह से कैंकर की मेडिसिन है, ठीक है जी, और कौन सी बीमारियाँ हैं जिसमें कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊँगा पूरी डिटेल, उसमें एक चीज़ बताऊँगा, मेडिसिन बताऊँगा, ठीक है, बर्ड्स भी दिखाऊंगा, और आप यकीन माने मेरे छोटे बच्चों को कैंकर हुआ था, मेरे छोटे बच्चे रिकवर कर गए, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कैंकर में या जहर बाद में मोस्टली बर्ड एक्सपायर होते हैं, कैसे रिकवर कर गए, दाना अगर बर्ड खाना ना छोड़े ना तो वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी एक्सपायर नहीं होगा, अगर दाना ना छोड़े, जब दाना छोड़ दिया आपका बर्ड एक्सपायर है, ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा सारी मेडिसिन के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, कौन सी मेडिसिन है सारा कुछ, इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊँगा और अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जब मेरे लॉट में बीमारी आई है तो मैंने फिर कैसे रिकवर किया। याद रखिए मैंने पहली बार बोला था 2 तरह की बीमारी है, ठीक है, एक वायरस है, एक बैक्टीरियल बीमारी है, ये इंसान की तरह ही है बर्ड्स, ठीक है जी, इनमें इंसानों वाला ही प्रोसेस है, बैक्टीरिया इनमें आता है ज़्यादा, वायरस नहीं आता, पिजन्स में वायरस नहीं आता, दवाइयाँ बेचने में तो कहते हैं वायरस आता है, मेरा उनसे लाभ भी हो सकता है, ठीक है जी, और वायरस इनमें नहीं आता, वायरस मुर्गियों में आता है, बाकी चीज़ों में आता है, इनमें वायरस नहीं आता, ठीक है, मैंने तो रखे हुए मेरे या फिर मेरे शहर में वायरस नहीं आता, हमारा शहर माशाल्लाह आप दिखा दें इसके नज़ारे, ये पहाड़ों से बर्फ़ बढ़ी हुई है, ठीक है जी, और सब सर सब शायद है, अब तो बड़ा हो गया, आज से 10-15 साल तो पहले यहाँ पर तो बहुत प्योरिटी थी, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा ये प्योर शहर था हमारा, ठीक है, अब तो बाहर पुरसकून शहर है, गेट वे है आपका आगे हेवेंस की तरफ, जो हेवन जिसको बोलते हैं नारायण गगन और जो ऊपर के इलाके हैं सारे, तो मेरे जो मेरी सिटी है इसमें तो नहीं आता वायरस, आया नहीं आज तक, 10 साल गुजर के नहीं आया, क्यों नहीं आया, पंजाब में आता यहाँ क्यों नहीं आता भाई, तो बेसिकली वायरस मैं नहीं मानता वायरस को, मैं बैक्टीरियल डिजीज को मानता हूँ, उस पर डिस्कस मैं करूँगा इंशाल्लाह डिटेल में आपसे, ठीक है जी, आए हम बताते हैं आपको अब कि गंदम कैसे धोनी है, अपने बाजरा कैसे धोना है। ये बाजरे की बोरी है, अभी इसको हम खोलते हैं और वीडियो आपसे बनाते हैं, बताते हैं, बस पॉज कर दो इसको। आपको जब बाजरा धोना है, ठीक है जी, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास पानी होना चाहिए, ये 2 टप पानी के, ठीक है, 1 टप में आप बाजरा भिगो लें, बोरी आप रख लें,
जितना हमें धोना है, जितना आपके मौसम ठंडा है या गर्म है, धूप जितनी तेज़ है उस हिसाब से। हमारे इलाके में धूप बहुत ठंडी थी, तो ये बाजरा आज मैं धोऊंगा तो कम से कम 3-4 दिन लगाते हैं सूखने में। रात को शबनम पड़ती है जिसे हम कोरा बोलते हैं, अभी जो शबनम नहीं वो जमा होता है सुबह, तो नेक्स्ट दिन सुबह 10-11 बजे वो खुश होगा। फिर दोबारा ये 2 दिन लगा देते हैं धोने के बाद। तो आप सबसे पहले पानी ले लें, बाजरा ले लें, एक इस तरह बर्तन ले लें, टप ले लें, कोई भी खुली चीज़ ले लें। फिर उसमें सबसे पहले आप पानी डालें, इस वक्त पानी डालेंगे, ठीक है जी, देख लीजिए पानी डाल रहा हूँ उसमें। अच्छा, इसके धोने के फ़ायदे क्या हैं आपको? जब आप इसको धोएंगे, धोकर डालेंगे बाजरा गंदम, तो इस पे से सारा केमिकल, कोई स्प्रे, कोई गंदगी, सब चीज़ तकरीबन हर चीज़ इसमें से निकल जाएगी। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, इसमें साफ़ सुथरा बाजरा जगह, इसमें से गंदगी, मिट्टी, ठीक है, स्प्रे वगैरह कुछ भी, हर चीज़ तकरीबन ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर से। ये देखिए जी, मैंने इसको भिगो दिया, अब आप देखेंगे जी, मैंने भिगो दिया, आप थोड़ा सा हाथ मारेंगे ताकि अच्छी तरह से पानी इसमें हल हल हो जाए और ये अपने ऊपर से मिट्टी, कचरा सब कुछ निकाल दें। अच्छा, जब आप धोएंगे, धोने के बाद जब इसको ड्राई होगा, आपको खुद फील हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने जो बाजरा धोया है उसकी जो एक शाइन है, ठीक है, उसकी जो स्किन है बाजरे की, वो आपको फीलिंग दे देगी कि यार आपका बाजरा अब साफ हो गया, आपकी गंदम अब साफ हो गई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी। ये देखें जी, ये धो लिया, आप मिट्टी का कलर, पानी का कलर देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी नुमा कलर आ रहा है, ठीक है, पानी गंदला हो गया, गंदा हो गया आपका। ये धो लिया, आप कुछ अच्छी से शेक करें उसको, अब थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे, जब ये छोड़ेंगे तो ये बाजरा जो है ना थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा और कचरा वगैरह जो है ना सारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, आपका बाजरा बिल्कुल साफ धुल के बिल्कुल नीट निकली हो जाएगा। ये देखें जी, अभी हम इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं उसके बाद। चलो ये देखें जी, हमारा बाजरा अब बिल्कुल साफ हो गया, पानी इसका मिट्टी ऊपर रहेगी, अब इसके ऊपर से हम पानी गिरा देंगे, कुछ बाजरा थोड़ा ज़ाया हो जाएगा कटोरे से, सो के अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो ये बेस्ट है कि आपको रिजल्ट चाहिए थी। अरे, धोने का तरीका एक और भी, आप इसको डायरेक्ट चादर पे भी रख सकते हैं, चादर पे रख के ऊपर अच्छा सा खुला सा पानी डालेंगे, ऑटोमेटिक मिट्टी चादर से नीचे उतर जाएगी इसकी, और आप कर लेंगे। अब आपने धो लिया, इसको उठाएं और चादर के ऊपर ऐसे बिखेर दें, ये देखिए जी, आप दाल दिखा रहे हैं, ये आप ऐसे रख देंगे यहाँ पर, ये इंशाल्लाह ड्राई हो जाएगा जितनी जल्दी हो सकता है। फैला दें सारे को, तो ये देखें अभी पानी सारा नीचे चल जाएगा, वक्तन फक्तन इसको आप पलट दें आके, ये ड्राई जल्दी हो जाएगा, इजीली। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।